बर्धित विद्युत दर को नहीं बीजेपी रो विक्षोभ यूनिट पिछा 30 पैसा बिजुली दर वृद्धि प्रतिवाद रे ओईआरसी ऑफिस सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करिछि भुवनेश्वर जिला बीजेपी 6 मास भितरे द्वितीय थरो विद्युत दर वृद्धि करा जायथिबारु सभापति बाबू सिंह नेतृत्व रे शताधिक बीजेपी कर्मी प्रतिवाद करिछन्ति महामारी कोरोना काल रे लोकंक उपरे बोझ लदिछन्ति राज्य सरकार केतबले होल्डिंग टैक्स केतबले सर्विस टैक्स आउ पुणी एबे बिजुली दर वृद्धि हेबा द्वारा हंतसंत हेउछन्ति साधारण लोक वर्तमान समय रे लोक माने जीवन जीविका सह संग्राम करुछन्ति तेणु एभली विपत्ति समय रे सरकार टैक्स किंबा विद्युत दर बढ़ांतु नाही बोली दाबी कहिछि बीजेपी एहा सह राज्य सरकार तुरंत वर्धित विद्युत दर प्रत्याहार नकले आगामी दिन रे भुवनेश्वर अधीनस्थ 8 सब डिविजन कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन करा जीवो बोली कहिछन्ति भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह प्रथम 20 पैसा यूनिट पिछा बढ़े पुणी तापर एवं 30 पैसा बढ़े सरकार साधारण लोकंर इनकम साधारण लोकंर जीवन जीविका सागर खेल खेलवाई एक सुजोग भावुन से भोट पाइला जोबले लोक मैंने निजर पेटपाई लड़ुं संग्राम करोड भय से बड़े विभिन्न टैक्स होल्डिंग टैक्स कहतु सर्विस टैक्स कहतु ये इलेक्ट्रिक बिल जोटा को 30 पैसा यूनिट पिछा दुई दिन तले वृद्धि कर साधारण लोक कहते पूरा राजरास्ता को ओल्लैबे विभिन्न वार्ड स्तर में संग्राम को ने भारतीय जनता पार्टी साधारण लोकों सांगे अच्छी मुख्य विरोधी दल हिसाब से लोकंर समस्या को लेकिन पूरा लड़ब ए स्वर को सरकार को चेत दौ नचे आगामी दिन में सरकार यार परिणाम भोग करेंगे ओआरसी गठन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जरिया डिस्ट्रीब्यूट कर जेनेसिस सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सिस्टम टाकु ये प्रक्रियाकरण को सरलीकरण करने जगह राज्य सरकार कंपनी हाथ में किसी कौन सी जिनस को बोझ मुंडेपी चिंता करूना कौन सी जिनस को सरलीकरण करने सरकार चिंता करूनी तुरंत केमी या गोटे कंपनी जरिया दे देकि सी तार दायित्व तो बुझी नव कोरोना महामारी रे लोके अपेक्षा कर सरकार किसी ना कि वेलफेयर स्कीम घोषणा करू कि रिहाती दौ कि आर्थिक सहायता दौ जो निम्न मध्यवित्त मध्यवित्त ये जो परिवार माने अच्छा सब जो माने ग्राउंड अच्छा अत्यंत विकल अवस्था अच्छा आर्थिक अवस्था अत्यंत शोचनीय ये समय रे खरा दिने ठीक खरा दिन आसला बेलू ये बिजुली उपरे 30 पैसा बढ़े आगे 20 पैसा 6 मास तले बढ़े 50 पैसा बढ़ेकर ये जो कंपनी मानक पोषा कंपनी मान संगे भागुआली व्यवसाय करने ढंग से सरकार चलते बिजुली दर वृद्धि को नहीं गृह प्रसंग उठाई कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति से कहते वर्धित दर लोकों उपरे बोझ उपरे ललिता बिड़ा 30 पैसा यूनिट पिछा वृद्धि प्रत्याहार करा जबा उचित मुख्यमंत्री यहाँ प्रत्याहार करूँ बोली तारा सेपटे कटक विद्युत शुल्क वृद्धि को नहीं प्रतिवाद एसयूसीआई पक्ष विरोध प्रदर्शन आसंता एप्रिल 4 रे प्रति यूनिट पिछा विद्युत शुल्क 30 पैसा वृद्धि करने सरकार नहीं निष्पत्ति तुरंत प्रत्याहार करूँ बोली दावी कर दल एने कटक राणीहाट स्थित टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन कार्यालय सम्मुखें विरोध प्रदर्शन करने एक दावी पत्र प्रदान विद्युत सेवार घरकरण सरकार तुरंत बंद करूँ कोरोना समय गरीब लोकों पर सरकार बोझ लदुं निष्पत्ति प्रत्याहार नक आगामी समय आंदोलन जोरदार हो दल पक्ष चेतावनी दि जा प्रथम 100 यूनिट संपूर्ण फ्री करने दाबी रे घन घन बिजुली काट लो वोल्टेज विरुद्ध रे आकु बंद करने दाबी रे एवं समग्र विद्युत व्यवस्था को सरकार पुणी हाथ को नवा दाबी रे आज आम विक्षोभ सरकार जदि दाबी न पूरण न करती ताहले आहुरी बृहत्तर गण आंदोलन आम गढ़ी तोल बाम एवं गणतांत्रिक शक्ति मानू एकत्रित विशिष्ट व्यक्ति मानू एकत्रित ए सरकार जो जनमारण नीति विरुद्ध रे आमे दीर्घस्थायी शक्तिशाली आंदोलन गढ़ी तोल देखु सरकार जो विद्युत को घरकरण कले से कहले मानने ए पुंजनिवेश हम एवं विद्युत विद्युत विभाग अभिवृद्धि हम एवं लोक मैंने उपकृत हे कि विद्युत विभाग जब घरकरण है साधारण लोकों पर माने तार बोझ नदीकिनी आसुचंती विशेषकर वर्तमान जो परिस्थिति कोरोना
ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକଙ୍କର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଥର ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ବଢ଼ାଇ ସାରିଲେଣି। 20 ପଇସା ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଏବେ 30 ପଇସା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଟିକସ ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।